प्रदेश के मुख्य सचिव सीआर के तिवारी जी, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री हितेश चंद अवस्थी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक फायर सीआर के विश्वकर्मा जी, अग्निशमन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, प्रदेश के अंदर अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए हमें प्रदेश के अंदर लगभग 350 जो तहसीलें हैं उनमें से आधी तहसीलें ऐसी थीं जिनमें फायर टेंडर नहीं थे। विगत 3 वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से इन्हें आगे बढ़ाते हुए अब तक कुल 130 तहसीलें मात्र ऐसी रह गई थी जिनमें फायर टेंडर अब तक नहीं थे। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हम 66 ऐसी तहसीलों में फायर टेंडर की स्थापना और उनके इक्विपमेंट को वहां पर स्थापित करने की कार्रवाई को पूरा करने जा रहे हैं। शेष जो तहसीलें बचेंगी उनको भी हम अलग अलग चरणों में अग्निशमन के उपकरणों से युक्त करते हुए अग्निकांड की घटनाओं को पूर्ण विराम लगाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। यह कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया एक महामारी कोरोना की चपेट में है। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस को पूरी तरह परास्त करने के लिए आम जन की सहभागिता से लॉकडाउन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन की इस कार्रवाई में जहां प्रत्येक नागरिक अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है, वहीं साथ ही साथ लॉकडाउन की इस अवधि का उपयोग हम स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की दृष्टि से कर सकें, इसमें स्वास्थ्य विभाग, हमारे ग्राम पंचायतें, नगर निकाय, ये सभी लोग पहले से ही इस पर कार्य कर रहे थे। मैंने आज से लगभग 10 दिन पहले प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह को इस बारे में कहा था कि अगर हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का उपयोग भी सैनिटाइजेशन के लिए कर सकेंगे तो एक बड़ा कार्य और समयबद्ध ढंग से हम लोग हरेक गांव को, हरेक कस्बे को, हरेक शहर को पूरी तरीके से किसी भी प्रकार के विषाणु से मुक्त करने की कार्रवाई का हिस्सा बना सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से प्रदेश के अंदर ये जितने भी फायर टेंडर्स हैं, ये सभी प्रदेश के अंदर सैनिटाइजेशन के कार्य के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ रही हैं। और आज इनके साथ ये 66 नए फायर टेंडर इनके साथ जुड़ रहे हैं जो अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त हैं और किसी भी प्रकार की विषाणु अवरोधक कार्य को करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए जो छिड़काव होना है, इस सैनिटाइजेशन के इस कार्य के साथ ये गाड़ियां भी तत्काल जुटेंगी। तो इस दौरान प्रदेश के अंदर कोरोना के खिलाफ
जिस एक लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं इसके लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजी फायर और इस विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ इन सभी वाहनों का उपयोग, क्योंकि अब तापमान बढ़ रहा है तो अग्निकांड की भी घटनाएं इसके साथ ही देखने को मिलेंगी, जहां हम आम नागरिक को किसी भी प्रकार के अग्नि के प्रकोप से बचाने में इन सब का उपयोग करेंगे। वहीं लॉकडाउन के दौरान और उसके उपरांत भी जहां आवश्यकता पड़ेगी ये सभी वाहन कोविड-19 के खिलाफ जो हमारी एक लड़ाई है उस लड़ाई में सैनिटाइजेशन में भी इन गाड़ियों का बेहतर उपयोग हो पाएगा। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर अग्निशमन विभाग को और पूरे गृह विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन जनपदों में ये वाहन जाएंगे इन वाहनों का वहां बेहतर उपयोग हो सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने वहां पर भी प्रत्येक जनपद में इस बारे में अपेक्षा की गई है कि इन वाहनों का हम बेहतर उपयोग करते हुए अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के साथ ही वहां पर हम लोगों के द्वारा सैनिटाइजेशन में इनका बेहतर उपयोग किया जा सके, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से कोरोना वायरस के खिलाफ जिस एक लड़ाई को यह देश लड़ रहा है इसमें हम सब मिलकर के सहभागी बन सकेंगे, इस विश्वास के साथ अग्निशमन विभाग को इस कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और उन सभी जनपदवासियों को जिन्हें एक नया फायर टेंडर मिल रहा है उन सबको भी बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।